हे हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये है देहरादून का पार्ट टू व्लॉग। और यहाँ बस हम वहाँ से नहाने के आने के बाद अब हम जस्ट रेडी हो गए हैं, और रेडी होकर के हम बाहर निकल के आ गए हैं और हम जा रहे हैं देहरादून जू की तरफ। और यहाँ मैंने अपना ड्रेसअप, मैंने फ्रॉक वेयर किया हुआ है। पीछे मायरा सो रही है, वो थक गई थी पानी से नहा नहा करके, तो उसे नींद आ गई और हम बस रेस्ट नहीं किया हमने बिल्कुल भी, और हम निकल के आ गए बाहर के लिए। तो बस हम जा रहे हैं जू की तरफ, और यहाँ धूप है मगर जो हवा है वो बहुत ही ठंडी है, तो इतना पता नहीं चल रहा कि धूप लग भी रही है। तो बस चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं देहरादून का जू। यहाँ पहले भी हम आ चुके हैं, बट उस वक्त इतने अच्छे जानवर अवेलेबल नहीं थे, आई थिंक सिर्फ हिरन थे। तो वो लास्ट टाइम आना हमारा इतना मतलब अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं गया था, बट इस बार सुनने में आया कि यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स हैं। तो चल के विजिट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है देखने को हमें वहाँ पे। तो फ्रेंड हम बस पहुंच चुके हैं देहरादून जू, और टिकट्स आपने बाहर देख ली होगी, मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। तो बस अब अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं क्या क्या जानवर अवेलेबल हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं। और पीछे वहाँ उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं अंकित। सो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं चल के जू के नज़ारे, क्या क्या अवेलेबल है क्या क्या नहीं है, और कितना आपके लिए आना यहाँ पर ठीक होगा या नहीं बताते हैं आपको। सो व्लॉग पर इस तरह बने रहिए आप लोग। तो ये है एंट्रेंस जैसा कि आप देख रहे हैं, और कैंटीन में इस वक्त खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हमने सोचा था कुछ खिला लेते हैं मायरा को। एक्चुअली जब हम वहाँ एंट्री करने के लिए जा रहे थे तो हमें वहाँ बोला गया कि अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो भी कुछ है आप बच्चे को यहीं से खिला के लेके जा सकते हैं। तो बस हमने सोचा, एक बिस्किट रखा था गाड़ी में, हमने सोचा उसे खिला लेते हैं मायरा को। तो यहाँ देखिए मायरा बस बिस्किट खा रही है, और उसे पानी पिलाना है हमें, क्योंकि वहाँ से वो ठीक से कुछ खा के नहीं आई थी। तो बस ये देखिए धूप है मगर मौसम ठीक है, हवा बहुत ठंडी लग रही है, और धूप भी अब यहाँ पर डाउन हो गई है। सामने का व्यू देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सनलाइट नहीं है बिल्कुल भी, और सामने बिल्कुल मसूरी है। तो बस चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। वैसे जू दिल्ली का भी है, बट यहाँ का जू बहुत ही ग्रीनरी भरा है। आप हर जगह ग्रीन ग्रीन पेड़ देख सकते हैं,
और यहाँ एक एडवेंचर पार्क है, पता नहीं किस तरह से है ये नहीं, बट यहाँ लिखा तो यही है। सो ये देखिए प्रॉपर जंगल है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और ये देखिए मायरा बिल्कुल भी चलने को तैयार नहीं है, अब कह रही है मैं थक गई। थक गए मायरा? इधर देखना, झूठ बोल रहे थे। लुक एट मी, झूठ बोल रहे थे, सच्ची में थक गया मैं। अच्छा है, काफी सारे हैं, क्यूट लग रहे हैं। वी कैन सी ये और यहाँ पर इसके अलावा आपको कुछ एक्वाटिक एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, फिशेस देखने को मिल सकती है, और ये लास्ट हमने लेपर्ड देखा। सो बस हम वहाँ से निकल आए हैं फ्रेंड्स, और निकल के हम जा रहे हैं अब ऊपर की तरफ जहाँ महादेव जी का मंदिर है, और मंदिर बहुत ही प्यारा है। बहुत सारे वहाँ बंदर हैं जो आपका सामान छीन के भाग सकते हैं। और ये देखिए डूबता हुआ सूरज बहुत ही सुंदर लगता है, कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से। सो हम यहाँ से निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर चल के अब आपको मिलते हैं। सो मेरे फ़ोन की बैटरी तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, और मैं इनका फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, और इनके फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है ऑलमोस्ट। बट मैंने कहा बस थोड़ा सा मुझे शूट करने दीजिए वीडियो। सो मंदिर बहुत ही प्यारा है, हम यहाँ तीसरी बार ही आ रहे हैं, और यहाँ अंदर आप जाएंगे तो आपको चाय ऑफ़र होगी, उसके साथ में प्रसाद मिलेगा आपको। अंदर चढ़ाव चढ़ाना बिल्कुल मना है, तो और यहाँ बाहर बंदर बहुत सारे हैं, तो अपने सामान का खासकर आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स मैं इस व्लॉग को ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, बस यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगले व्लॉग में फिर से मिलती हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी साथ नहीं दे रही फ़ोन की बिल्कुल भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।